माजी मैं क्या बोल रहा हूँ? आप कुछ मत बोलिए, जल्दी से डिलीवरी करके आइए सौरभ दाम लेके यहाँ। अरे लेकिन माधुरी अभी आधे घंटे बाद मेरी एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास है। एक्स्ट्रा क्लास? हाँ। एक दिन छुट्टी मिली है उसमें भी क्लास, एक दिन तो बच्चों को आराम करने दीजिए। कुछ आराम नहीं करेंगे ये, या तो टीवी देखेंगे या तो खेलेंगे। ऐसी कोई दवाई है जिससे नींद आए? ऐसी दवाई होती तो है बेटा, लेकिन बच्चों के लिए नहीं होती। और तुझे किस लिए चाहिए? भीड़े अंकल को देनी है। क्या है, थोड़ा सो जाएंगे ना तो छुट्टी के दिनों में आराम से खेलने देंगे। अब हफ्ते में एक बार गैराज बंद रखते हो ना? हाँ। क्यों? और फ्रेश होने के लिए। तो मासूम बच्चों को भी एक दिन फ्रेश होना चाहिए ना। हाँ भाई भिड़े, आज छुट्टी के दिन तुमने एक्स्ट्रा क्लास रखा है, वो भी एक घंटा। कम से कम 3 घंटा तो रखना चाहिए कि नहीं? एक्स्ट्रा क्लास? एक्स्ट्रा क्लास? अब देखो भिड़े सर, क्लास में क्या क्या एक्स्ट्रा होता है। देखो बच्चों, अभी एग्जाम्स नजदीक आ रही है, हाँ? तो मैं किसी भी वक्त एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ, तो सभी को एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करनी है। लेकिन भीड़ अंकल, एग्जाम का तो भी बहुत टाइम है। तुम जरा घड़ी में टाइम देखो, कितनी देर कैसे हुई? वो भीड़ अंकल स्कूटर खराब हो गया था। मतलब आपकी स्कूटर खराब हो गई थी ना, तो उसको देखने में देर हो गई। क्या हंस रहे हो? हाँ? टप्पू उसके बाद भी काफी देर हो गई है। वो भीड़ अंकल रूलर नहीं मिल रही थी। रूलर से पढ़ाई करते हो रोज? तो आप क्यों बोलते हो रोज रूलर लेके आने का? सर मैं बैठू? पहले होमवर्क दिखाओ। हाँ। काय अक्षरे का कोंबडीचे पाय? अरे कितनी बार काय, कितने छोटे छोटे अक्षर है, बड़े बड़े अक्षर में लिखा करो ना। ये लीजिए सर। ये क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास सर। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये मुझे क्यों दे रहा है? आप ही कहते ना छोटे अक्षर छोटे अक्षर, इससे अक्षर बड़े बड़े दिखते है। जागे रो बस जा। जी सर। और ये लेके जा। हाँ। आइंदा अगर देर से आए ना टप्पू तो क्लास में आने नहीं दूंगा मैं। ओके सर। मस्त। क्यों भाई जूनियर सोड़ी? यस सर। ओहो, इनोसेंस तो देखो चेहरे पे, कूट कूट के भरा है। वाह। जरा इकड़े आ। इधर आओ और होमवर्क लेके आना। देखो देखो, जा होमवर्क किया है ना, जा। जगह देना। अरे यार इधर जगह तुझे दिख रही है? नहीं। कितना कंजस्टेड है ये, जा फटाफट जा। सर ये क्या, इतना ही होमवर्क? बाकी कहाँ है? खा गया? बाकी सारी मस्ती बराबर याद रहती है करने को, होमवर्क याद नहीं रहता? हाँ होमवर्क करते वक्त ही मस्ती सूझती है। क्योंकि तू एक काम कर, तू कान पकड़ के खड़ा हो जा। किसका? ये तुम्हारे खुद के। बेंच पे खड़ा हो जा, जा चल जा। गोली जगह दे। दूसरी बार। सॉरी सॉरी। दीप जरा तुम्हारा होमवर्क दिखाना बेटा। शाबाश बेटा शाबाश। थैंक यू सर। जरा सीखो इससे कुछ। तो सर कल से किसके क्लासेस में जाऊं? अच्छा तुम लोग अभी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 निकालो और तुम लोग मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 निकालो।
क्या कर रही हो? कुछ नहीं सर, ये रबर नीचे गिर गया था ना, वो उठा रही थी, सॉरी। और टप्पू तुम? मैं इसकी हेल्प कर रहा सर। अच्छा, और गोड़िया तुम? मैं इसकी हेल्प कर रहा था। और गोगी आप? एक मिनट सर, टप्पू रबर तो वहां गिरा था, मैं क्या जवाब दूं? अच्छा तो टप्पू ये सारी शरारत तुम्हारी है, अगर अभी शरारत की ना तो जेठालाल से कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी। नहीं सर, सॉरी सर। सॉरी सर, चलो बैठो जगह पे। गोगी तुम भी बैठ जाओ। अब मैं तुम्हें कुछ जनरल नॉलेज के सवाल पूछता हूँ। गोगी पहले तुम बताओ। यस सर। अफजल खान को किसने मारा था? सर मैंने नहीं मारा। शिवाजी महाराज ने मारा था। पढ़ाई में ध्यान दो जरा, बैठ जाओ। सॉरी सर। टप्पू तुम बताओ। यस सर। सबसे ज्यादा शेर कहाँ होते हैं? पैसों की नोट पर। बरोबर है, व्यापार सा मुलगा ना। गुड़िया तुम बताओ कि। यस सर। सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? इलेक्ट्रिसिटी। हो आज तो मस्ती सूझ रही है सबको। हाँ ठीक है टप्पू गोड़िया, आज जो मैंने चैप्टर नंबर 4 सिखाया ना, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स तुम दो दो बार लिख कर लाओगे होमवर्क में। अरे और गोगी तुम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है वो दो बार लिख कर लाओगे। दो बार हिस्ट्री का? हाँ। लेकिन वो तो सबसे बड़ा है। हाँ इसीलिए तो दो बार लिख कर लाओगे सिर्फ। सिर्फ? और हाँ सभी लोग होमवर्क खत्म करके आना, वरना क्लास में बैठने नहीं दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर शाम को ठीक 5 बजे। अरे सर ये तो अन्याय है सर। शाम 5 बजे न्याय और अन्याय की क्लास भी ले लूंगा। चला 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 चला। अहो आपकी क्लास खत्म हो गई ना, तो दामले के यहाँ जरा पार्सल पहुँचा दीजिए ना। जातू का भाई। सर साइकिल दू? आपकी स्कूटर खराब हो गया है ना। ये गोया ये शाम को होमवर्क कंप्लीट करके आना, वरना पनिशमेंट मिलेगी। आइक लगाए गेले ते गेले निपण निकते। यार टप्पू हमारा आइडिया तो खुश हो गया। हाँ भिड़े अंकल ने हमारे ऊपर 1+1 स्कीम लगा दी। एक्स्ट्रा क्लासेस पर एक्स्ट्रा होमवर्क फ्री, एक छुट्टी मिली थी उसमें भी होमवर्क देकर हमें छुट्टी कर दी। भिड़े सर ने हमें छुट्टी कब दी? अरे छुट्टी मतलब इसको समझाना यार। हाँ छुट्टी मतलब एक्स्ट्रा होमवर्क देके हमारी छुट्टी रद्द कर दी। पिंकू कितना लकी है ना, मामा के घर भाग गया। गोली हम भी लकी हो सकते हैं। कैसे? अब हम भिड़े सर के क्लास में बिना होमवर्क किए जाएंगे। फिर भिड़े सर क्या करेंगे? पनिश। हाँ करने दो, पर हम होमवर्क करके नहीं जाएंगे। यस इस छुट्टी पर हमारा हक है। टप्पू एक काम करते, हम लोग क्लास ही नहीं जाते। बेस्ट। नहीं नहीं गोगी, क्लास में तो जाएंगे लेकिन होमवर्क किए बिना, और फिर क्लास में सिर्फ शरारत करेंगे। हाँ यस। टप्पू कुछ होगा तो नहीं ना? डोंट वरी गोगी। टप्पू है ना, तो मिलते हैं बिना होमवर्क के ठीक 5 बजे भिड़े सर के क्लास में। अच्छा बच्चों, नया चैप्टर शुरू करने से पहले मैं तुम लोग का होमवर्क चेक करना चाहता हूँ। गोड़िया बुद्धि दिखाओ। Yeah, 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 yeah.
ये क्या मजाक है? सर मैंने होमवर्क नहीं किया है। गोगी? ओहो। और अच्छा सोनू तुमने भी होमवर्क नहीं किया? नहीं मैंने किया है। तो फिर तुम क्यों बेंच पे खड़ी हो गई? ये मेरे फ्रेंड्स है ना इसीलिए। कहाँ ना खाली आवाज काटें खाली बस। और कोई है जिसने होमवर्क नहीं किया है? ओके वेरी गुड। काय टप्पू काय बेशिस्तपणा है? तुमने सबको भड़काया है ना? नहीं सर ये टप्पू का नहीं हम सबका फैसला है। हाँ है? हाँ हम लोग छुट्टी के दिन होमवर्क नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। आपको मैं जितनी पनिशमेंट देनी हो उतनी दे दो पर हम पनिशमेंट से नहीं डरते। हाँ सर हम लोग क्या करें? मुर्गा बने कान पकड़े या क्लास से बाहर जाए? तुम तीनों अभी के अभी क्लास के बाहर जाओ और हाँ कल सुबह ये होमवर्क दो बार करके आना। जास्त शांतपणा करू नको कळलं ना सीधा घर जाके होमवर्क करने बैठो। सर चाहिए तो अभी एक बार कर देते हैं। बोली उपकार करो मुझ पर। हाँ उपकार कर रहे हो? चाहिए तो एक बार होमवर्क कर देते हैं। डबल होमवर्क मतलब डबल होमवर्क नहीं तो डबल पनिशमेंट मिलेगी। कल ठीक सुबह 7 बजे यहाँ पे होमवर्क करके ही आना। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। घर पे गए नहीं अभी तक? याद है ना कल ठीक सुबह 7 बजे होमवर्क कंप्लीट करके आना है क्लास में वरना पनिशमेंट। ओके सर वेरी गुड। पनिशमेंट चलेगी पर होमवर्क नहीं चलेगा। तुम लोग की दादागिरी बहुत बढ़ गई है टप्पू लेकिन मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग होमवर्क कैसे नहीं करते। आज रात को ही तुम लोग के पेरेंट्स को बुलाने वाला हूँ मैं। ये आगा हुए तुम लोग की कंप्लेंट करने वाला हूँ मैं। भिड़े सर हम होमवर्क नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। हाँ चलो फ्रेंड्स खेलते हैं। खेलने ए खेल ए ए ये आइका ये ठीक है बच्चों तुम जिस ट्यूशन क्लास में पढ़ते हो ना वहाँ का टीचर हूँ मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग होमवर्क कैसे नहीं करते। पिड़ो गाल किया और हमको यहाँ पे क्यों बुलाया? बताता हूँ सोड़ी लीजिए कोकम शरबत। ओह माधुरी मामी जी थैंक यू। अच्छा समझ गया कोकम शरबत की पार्टी है। कोई पार्टी है क्या हाथी भाई? कोकम शरबत पीने के लिए आप कभी भी आ सकते हैं। पार्टी की क्या जरूरत है? पक्का मंच पे कहा है होगी नहीं हो लीजिए लीजिए थैंक यू। वेरी नाइस बहुत सुजू है। थैंक यू। पिड़ो गाल किया यार वो बहुत सीरियस हो गया और कुछ पंगा वंगा होया क्या? ओके तेरे स्कूटर ने फिर से आपा तो नहीं कर दिया? अरे नहीं नहीं सोड़ी स्कूटर की बात नहीं है यहाँ पे। नमस्ते माधुरी बाबी। नमस्ते। अरे आते भाई कैसे? नमस्ते कौन बाबी? और भिड़े फर्स्ट क्लास इधर बैठा चलेगा? हाँ बैठो लेकिन थोड़ा चप्पल पहले। अरे हाँ सॉरी सॉरी भाई सॉरी। ये शिक्षक का घर है ना सॉरी यार सॉरी सॉरी। कितनी देर जेठालाल? सॉरी भाई सॉरी तेरा घर ढूंढने में टाइम लग गया। 5-6 लोगों को पूछा तब जाके पता चला भिड़े का घर तो इधर है। बोलते हो यार।
सॉरी सॉरी भाई, वो क्या दुकान से आने में लेट हो गया, थोड़ा घर गया, खाना खाया और सीधा तेरे दरबार में हाजिर हो गया। ठीक है तो अभी लीजिए शरबत लीजिए। नहीं नहीं मुझे नहीं। अरे नहीं नहीं, क्या माधवी बाबे के हाथ का शरबत की तू मना कर रही है? अरे पेट में क्या, ले भाई ले। अरे बहुत बढ़िया। अरे भिड़े भाई को नहीं दिया? अरे कोकम शरबत नहीं चाहिए माधवी, अभी कोकम शरबत इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे मीटिंग इम्पोर्टेंट है। सॉरी हाँ। तो अभी मीटिंग शुरू करें? हाँ। अरे पर वो मेहता साहब, अय्यर, पोपट और बाकी लोग कहाँ आया? सोड़ी, ये मीटिंग सोसाइटी के एक में और सेक्रेटरी भिड़े ने नहीं, शिक्षक भिड़े ने बुलाई है, ये पेरेंट्स मीटिंग है। अरे बाप रे, टप्पू ने कुछ किया? नहीं, मतलब सिर्फ टप्पू ने नहीं, इस बार सभी बच्चों ने मिलकर कुछ किया है। क्या किया? कोमल भाभी ये पूछिए कि क्या नहीं किया है। लेकिन अभी तुम ही बोले ना, सबने मिलकर कुछ किया। मतलब सबने मिलकर कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया तो फिर मीटिंग बुलाने का क्या मतलब है? काय चाले पिड़ू पाऊ। अरे एक मिनट, मेरा मतलब है कि सबने मिलकर होमवर्क नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उनको छुट्टी एंजॉय करनी है। अरे पिड़ू यार, तू भी कमाल करता है, वो होलसेल में उनको होमवर्क देता है, छुट्टी वाले दिन एक्स्ट्रा करा सकता है, ऐसा थोड़ी ना चलता है यार। सोड़ी, एग्जाम नजदीक आ रही है ना, तो एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ती है, होमवर्क देना पड़ता है। देखो भिड़े मास्टर, बच्चे यहाँ नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। अरे बच्चे हैं यार, उन्हें थोड़ा टाइम खेलने के लिए मिलना चाहिए। हाँ ये भी है, साची बच्चे। आती भाई, मैंने कुछ सोच समझ कर ही एक्स्ट्रा क्लास रखी है। और आप क्या चाहते हैं? आपका गोली बड़ा होकर क्या बने, डॉक्टर या कंपाउंडर? कंपाउंडर बोल रहा है ये रोशन। और सोड़ी तुम क्या हंस रहे हो? हाँ तुम क्या चाहते हो, गोगी बड़ा होकर क्या बने, टैक्सी ड्राइवर या कार शोरूम का मालिक? ओए कार शोरूम का मालिक। फिर वो भी स्पोर्ट्स का जूम। नहीं भिड़े तो एक्स्ट्रा क्लास रखता हो बराबर, लेकिन एक ही दिन में दो दो क्लास, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो जाता है ना। अच्छा तो फिर मैं पढ़ना ही बंद कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे यार? अरे बाप रे, लगता है मैं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बोल गया। फिर बच्चों को पढ़ाएगा कौन? भिड़े भाई तुम्हें सब हम छेली पाटली बैसी जाओ तो कैम चले? हाँ का है, का है बोल रहे त्या? मतलब ये बोल रहे कि बिना कुछ कहे सुना तुमने तो हमारे सर पे फैसला का हथौड़ा मार दिया सीधा। तो क्या करूं, आप बच्चों को समझाने की बजाय मुझे समझा रहे हो, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इन बच्चों को देखकर बाकी के बच्चे भी होमवर्क नहीं करेंगे। मतलब आपकी सोनू ने भी होमवर्क नहीं किया? नहीं नहीं रोशन भाभी, मेरी सोनू ऐसी नहीं है, वो होमवर्क बराबर करती है। ये टप्पू, गोली, गोगी, इन तीनों ने होमवर्क करने से मना कर दिया है। वो बोलते हैं कि हमको होमवर्क नहीं चलेगा, पनिशमेंट चलेगी। अरे भिड़े भाई, तो फिर दे दो तो उल्टे हाथ की। नहीं नहीं कोमल भाभी, इससे बच्चे ढीठ हो जाएंगे। हाँ। अब पिड़ो, जो गड्डी ठीक नहीं होती है ना, उसकी थोड़ी मरम्मत करनी पड़ती है। बराबर, वो ठीक है सोड़ी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग बच्चों को समझाएं। लेकिन भिड़े बच्चे तेरे समझाने से नहीं समझे, तेरे पनिशमेंट से नहीं डरे, तो मुझे नहीं लगता हमारे समझाने से वो समझेंगे। हाँ, वो भी है। मैं क्या कहता हूँ, हम लोग तेरे ऊपर छोड़ते, तुझे बच्चों को समझाना है, डांटना है, जो करना है तू ही कर भाई। सही बात है भिड़े मास्टर, अब बच्चों को तुम धमकाओ या उन्हें नाश्ता दे के मनाओ, हम बीच में कुछ नहीं बोलने वाले। हाँ पिड़ू, ओ हम सबको तुझ पे भरोसा है यार, और तू जो भी बच्चों के लिए फैसला करेगा ना, वो उनकी भलाई के लिए होगा, उनके हित के लिए होगा, तू आगे बढ़। और अगर फिर भी नहीं माना तो जैसे कोमल भाभी ने कहा, दो उल्टे हाथ के लगा देना चपाट। नहीं नहीं जेठालाल, जोर जबरदस्ती करके मुझे बच्चों को नहीं पढ़ाना, मैं फिर से एक बार अपने तरीके से उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो फिर तेरा, अभी हम लोग बच्चों से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है?
दोस्तों शिक्षक को सूरज की तरह होता है जो विद्यार्थियों के जीवन में ज्ञान का आलोक फैलाता है, और हमारे शिक्षक भिड़े ने इस बार पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासक्रम के अतिरिक्त अपने विद्यार्थियों में संस्कार के बीज रोपने का फैसला किया है। और अब भिड़े क्या करेंगे, समझाएंगे विद्यार्थियों को या सजा देंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिससे टपू सेना हार जाए। लेकिन दोस्तों टपू सेना भी झुकने के मूड में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ये भिड़े और टपू जो इस वक्त आमने सामने है, जो कुछ होगा इनके बीच बड़ा मजेदार होने वाला है। एक बात और दोस्तों, 24 जुलाई को अभी पेरेंट्स डे गया है, यानी कि अभिभावक दिवस, हमारे माता पिता का दिन। मित्रों दुनिया में माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा रखा गया, भगवान के बराबर। तो आपके मेहता अंकल मेरे सुनने वाले तमाम बच्चों से यही कहना चाहते हैं, यानी कि मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, उनकी बात मानिए। और यहाँ देखिए गोकुलधाम में इस वक्त हमारे शिक्षक भिड़े की क्लास जारी है, और आपके घरों में बिठा के जारी रहेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।